हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैंटेसी अर्निंग किंग में। और आज हम बात करेंगे गयाना अमेजन वॉरियर्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के पांचवें मैच, ये जो पांचवा मैच है खेला जाएगा और इसका वेन्यू है वार्नर पार्क। तो ज़्यादा मैचेस यहीं हो रहे हैं, शाम 7:30 बजे से मैच है। आज 28 अगस्त 2021 सैटरडे का दिन। तो पॉसिबल 11 की बात किया जाए तो गयाना अमेजन वॉरियर्स के ब्रेंडन किंग, चंद्र पॉल हेमराज, मोहम्मद हफीज, निकोलस पूरन, स्वयं मलिक, सिमरन हेटमायर, रेमियो सेफर्ड, नवीन उल हक, असीद नेट, ओडियन स्मिथ, इमरान ताहिर। अगर हम पैट्रियट्स 11 की बात करें तो क्रिस गेल, एविन लेविस, डेवॉस थॉमस, आसिफ अली, सरफियान रदरफोर्ड, फैबियन एलन, डैन ब्रावो, डोमिनिक ड्रेक, स्टेडन कॉटरेल, पॉन वेन वेक्रीन, फवाद अहमद। तो इनकी ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। अगर लास्ट 5 T20 मैचेस इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पास अभी TKR ने 125 रन, 4 विकेट, मतलब 4 विकेट गिरे। फिर दूसरी पारी में 10 विकेट गिरे। यहाँ पर TKR 6 विकेट से जीता। तो यहाँ अगर बात करें तो स्पिनर को 2 विकेट सिर्फ मिले हैं, पेसर को 11 विकेट्स मिले हैं। दूसरे मैच में स्पिनर को 6 विकेट मिले और पेसर को 8 विकेट। ये जमैका वाला जो मैच था 255 रन कल का बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बना था। मतलब ओपनर जितने कल के इसमें बताया जा रहा था कि सेंट लूसिया किंग्स के बॉलर बहुत अच्छे हैं, बट इन्होंने ज़्यादा विकेट लेना नहीं पाया। लास्ट में मैकॉय ने 3 विकेट लिए थे और जमैका के ओपनर बल्लेबाज सभी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पास अच्छे खासे रन बने थे। मतलब बैटिंग का जो था इसमें, तो पहली जो बैटिंग हुई थी इनमें बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिली थी। मतलब गेंदबाजों के लिए ऐसा कुछ पिच में नहीं था। और अगली बात करें तो मतलब कहा जाए तो पेसर्स ज़्यादा यहाँ पास अच्छा कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर अपनी टीमों में पेसर्स को लेंगे और एक दो स्पिनर जो अच्छा करेंगे। और बात कर लेंगे हम आज के स्पेशल मैचेस बारे में, जैसे नेक्स्ट बात करेंगे हम, सिर्फ ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए हम मेन मेन टॉपिक पे बात करेंगे। प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गयाना अमेजन वॉरियर्स के विकेट कीपर निकोलस पूरन है। तो इन्होंने टोटल 41 मैचेस में 34 इनिंग में 635 रन बनाए हैं। इनके प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है 12-11, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। अगर एंटोनी ब्रैम्बल की राइट हैंड बैट्समैन की बात करें तो इनका अभी रिकॉर्ड पिछला नहीं है, बट 11 इनिंग 77 रन इनका भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। विकेट कीपर सेक्शन में आते हैं। बैट्समैन में सिमरन हेटमायर बहुत अच्छे चॉइस हो सकते हैं, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्वयं मलिक पिछले मैच में अच्छा नहीं किया, और ये मतलब आप अपनी टीम में एक दो टीम में ट्राई करिएगा, और क्योंकि अगर ये बॉलिंग में विकेट पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये बैटिंग में आते हैं पहले, मगर रन इनका बनाना कभी कभी ये बनाते रन का, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ब्रेंडन किंग एक मतलब आक्रामक बैट्समैन है, बट इनका मतलब इनका रन बनाना पॉसिबल नहीं रहता, मतलब कहीं ना कहीं ये फ्लॉप ही हो जा रहे हैं। चंद्रपाल हेमराज की बात करें थोड़ा धीमा खेलते हैं, बट पिछला मैच में थोड़े अच्छे शॉट्स लगाए थे, तो इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में इन्होंने लय दिखाया था कि अच्छी पारी खेलेंगे, बट बड़ी पारी खेलने में ये भी असमर्थ रहे थे। तो अगर ओपनर नहीं चलते हैं तो फिर हेमराज, ब्रैंडन किंग को आप नहीं लेंगे टीम में, और आप सिमरन हेटमायर, स्वयं मलिक के साथ जा सकते हैं। और मोहम्मद हफीज ऑलराउंडर में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। पिछला मैच भी इनका अच्छा नहीं गया था, 1 विकेट पाया था, बैटिंग से भी अच्छा नहीं किया था इन्होंने। और गुडेगस मोटी के बारे में यहाँ पर थोड़ा इनका कुछ डिटेल्स नहीं, नो रिकॉर्ड्स फाउंड बता रहा है। तो बॉलर्स में इमरान ताहिर इनका मतलब 1 से 2 विकेट ये पाते ही अच्छे बॉलर, इनको आप अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। ओडियन स्मिथ की बात करें तो ये पिछले मैच में बैटिंग करने के लिए भी पहले आ गए थे, तो ये बॉलिंग में अच्छा है, मतलब इनके 2 विकेट हर मैच में पक्के हैं, तो ये आप बॉलिंग में इनको ज़रूर रखेंगे। नवीन उल हक, इनसे बहुत उम्मीदें रहती हैं, पिछले मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया, और ये पिछले IPL में अच्छा कर रहे थे। इन्हें हर ड्रीम टीम में ये रहते ही थे, मगर अभी इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा, पिछले 3 मैचों की बात करें तो सिर्फ 3 मैचों में 1 विकेट पाए इन्होंने, तो इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, एक दो टीम में रख सकते हैं। रोमियो ने सेफर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन, पिछले मैच के स्टार रहे हैं और लगातार पिछले 2-3 मैचों से 3-3 विकेट ले रहे हैं, तो ये कैप्टन या वाइस कैप्टन चॉइस हो सकते हैं। सिंक्लेयर की बात करें तो ये भी 1 विकेट 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। स्पिनर बॉलर हैं, आप इनको
ट्राई कर सकते हैं इमरान ताहिर या फिर नवीन उल हक की जगह, क्योंकि अगर नवीन उल हक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो सिंक्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। ऐसे है, मेड नेट इनका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इनको आप ट्राई मत करिए क्योंकि वेस्ट है ये। और फिर ये सब ऐसे ही है। अब सेंट ट्रिकेट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की बात करें तो जो संडे सिल्वा है, इनके पिछले परफॉर्मेंस इतने ख़ास नहीं गए हैं। एक इन्होंने 46 गेंद में 59 रन की पारी अच्छी खेली थी। डिवोन थॉमस की बात करें तो इनका पिछला 7 रन गया था। इवन लेविस अच्छे ओपनर हैं और अच्छे बैट्समैन हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं। इवन लेविस को जरूर ट्राई करिएगा। सचिन रदरफोर्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बहुत अच्छा प्लेयर है, इनको आप जरूर ट्राई करिएगा। क्रिस गेल को सभी जानते हैं कि अगर ये चल गए तो फिर अकेले ही पूरा मैच जिता सकते हैं। तो इन्हें आप मतलब कुछ टीमों में रखिए, कुछ टीमों में नहीं। आसिफ अली धीमे प्लेयर हैं और कभी कभी ये अच्छा कर जाते हैं, तो एक दो टीमों में इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। रवि बोपारा अगर बॉलिंग करते हैं तो अच्छे हैं, अगर बैटिंग बस कर रहे हैं तो आप इनमें भी ड्रॉप करिएगा। ड्वेन ब्रावो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब अगर ये रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, तो ये कैप्टन चॉइस बन रहे हैं। पिछले मैचों में विकेट नहीं पाए और रन इन्होंने ज़रूर बनाए। अच्छी पारी खेली, 35 गेंद में 47 रन। फेबियन एलन की बात करें तो ये भी अच्छे ऑलराउंडर में से आते हैं, कुछ रन बना देते हैं, एक आध दो विकेट ले जाते हैं, तो ये भी ड्रीम टीम में रहते हैं। बॉलर्स की बात करें, सेल्डन कॉटरेल भी एक अच्छे बॉलर हैं जिनसे हम 1 से 2 विकेट की उम्मीद रखते हैं। रैड इमरात के बारे में बात करें तो ये भी एक अच्छे बॉलर हैं, बट इनका भी प्रीवियस रिकॉर्ड इसमें शो नहीं हो रहा है, बट आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। डोमिनिक ड्रेक्स पिछले मैच में 2 विकेट पाया था इन्होंने। पापन अहमद की बात करें तो इनका भी पापन अहमद को आप ड्रॉप ही करिएगा, ये इतने ख़ास नहीं है। पॉलन मैकरीन ये भी कुछ ख़ास नहीं करते हैं, और फिर इतने ख़ास नहीं है। फिर अगर हम आज के ड्रीम टीम की बात करें तो फिर अगर हम आज की ड्रीम टीम की बात करें तो अभी मैं आपको एक ड्रीम टीम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पास निकोलस पूरन विकेट कीपिंग में अच्छा ऑप्शन है, तो मैं निकोलस पूरन के साथ जाऊँगा। एवन लेविस क्या है कि ये ओपनर आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो हम मैं लेविस के साथ जाऊंगा। मैं क्रिस गेल को ड्रॉप कर रहा हूँ पॉइंट प्रॉब्लम की वजह से। सिमरन हेटमायर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस है, मिडिल ऑर्डर में है, सिमरन हेटमायर के साथ जाऊंगा। ब्रेंडन किंग एक स्ट्राइकर बल्लेबाज है, मगर ये भी जल्दी आउट हो रहे हैं। शोएब मलिक के साथ भी नहीं। रदरफोर्ड एक अच्छे ऑप्शन है, तो यहाँ पास आप हेमराज और रदरफोर्ड के साथ में किसी एक को ले सकते हैं, तो यहाँ मैं हेमराज के साथ जाऊँगा। पिछले मैच में रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी पारी खेलेगी, बट इस मैच में मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं चलेंगे। मोहम्मद हफीज़ का पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो मैं इस बार उम्मीद करता हूँ ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मोहम्मद हफीज़ के साथ मैं जा रहा हूँ। फेवर एलन के साथ भी मैं जाऊँगा। मैं ड्वेन ब्रेवो को भी मैं लूँगा, और या ओडेन स्मिथ को भी मैं लूँगा। और 3 गेंदबाजों के साथ मैं जाऊँगा, इसमें रहेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा इमरान ताहिर, अच्छे बैट बॉलर हैं ये जो, और रोमियन सेफर्ट के साथ मैं जाऊंगा। और मैं जो एक है मेरे पास, तो मैं डी ब्रेक सेडन कॉटरेल में एक को लूँगा, तो मैं अभी सेडन कॉटरेल को बात करूँगा। और फाइनल टीम मेरी टॉस होने के बाद मेरे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो यहाँ पास अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ तो बैट्समैन में हेटमेयर अच्छा खेल रहे हैं, और ये भी अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं, बट मैं आज ट्राई करूँगा एवन लेविस, क्योंकि अगर ओपनर चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि पिछले मैच में मैंने देखा कि ओपनर ने अच्छा खेला है और एवन लेविस है, और मैं कैप्टन हफीज के साथ जाऊँगा। और अगर आप एक टीम और बना रहे हैं तो 3 टीम ट्राई करें। इमरान ताहिर को कैप्टन बनाएगा, रेमियन सेफर्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा, और ड्रैन ब्रेवो को करिएगा। मतलब आप इन 3-4 हैं ये प्लेयर्स, इनको आप अल्टरनेट करिएगा। अगर एक अच्छी सेफ टीम के साथ मैं जाऊँ तो मैं फिर ड्रैन ब्रेवो के साथ जाऊँगा।